हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SLR टेस्ट और लसिक्स टेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, SLR टेस्ट और लसिक टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज होता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर, जिसकी हम बात करें रेडिकुलोपैथी को फाइंड आउट करने के लिए। लंबर रेडिकुलोपैथी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लसिक्स टेस्ट और SLR टेस्ट, जिसका मोस्ट कॉमनली सिम्टम होता है पैरों में रेडिएटिंग पेन, पैरों में सूनापन लगना जिसको हम नमनेस कहते हैं, या पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि पैर के अंदर चीटियाँ चल रही हो। तो इस SLR टेस्ट को करने के लिए आपको करना क्या होगा, पेशेंट को सुपाइन लाइन पोजिशन में आपको लेटाना होगा और पेशेंट के हिप जॉइंट को फ्लेक्स करना होगा, नी जॉइंट को फुल्ली एक्सटेंडेड कंडीशन में रखते हुए। तो जब आप पेशेंट को लेटाएंगे सुपाइन लाइन पोजीशन में, तो आपको पेशेंट को कहना होगा कि हम आपके हिप को फ्लेक्स करेंगे। तो आपको जब भी कोई सिम्टम आता है तो आप हमें बताएं। सिम्टम्स में जैसे कि रेडिएटिंग पेन हो रहा है, या कोई नमनेस आ रही है, सूनापन आ रहा है, या पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन लगता है, तो वो आपको बताएं। तो जब आप पेशेंट को हिप जॉइंट को फ्लेक्स करेंगे, तो जनरली लंबर रेडिकुलोपैथी का पेन आना शुरू होता है 35 डिग्री टू 70 डिग्री के बीच में। अगर पेशेंट को पेन महसूस होता है 35 डिग्री टू 70 डिग्री के बीच में, तो ये इंडिकेट करता है कि वो पेन लंबर स्पाइन की वजह से है या फिर SI जॉइंट की वजह से है। अब आपको फर्दर इवेल्यूशन के लिए क्या करना होगा, दो मैन्यूवर करने होंगे SLR टेस्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ब्रागार्ड साइन और नेरिस साइन। आप पेशेंट को SLR करिए, स्ट्रेट लेग रेस करिए। जब पेशेंट को पेन आता है तो आप वहाँ रुक जाइए। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को पेन आया है 50 डिग्री में, तो आप रुक जाइए और पेशेंट के पैर को पेनफुल रेंज से थोड़ा सा नीचे लाकर आपको पेशेंट को कहना होगा कि आप अपने एंकल को डॉर्सिफ्लेक्स करिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रागार्ड साइंस। या फिर आप पेशेंट को एक कह सकते हैं कि आप जब आप पेशेंट के पैर को पेनफुल रेंज से नीचे लेकर आते हैं, तो आप पेशेंट को कहिए कि आप अपनी नेक को फुल्ली फ्लेक्स कर लीजिए, जिसको हम बोलते हैं नेरिस साइन। अगर इन दोनों मैन्यूअर के दौरान पेशेंट को पेन होता है, मतलब ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं लंबर रेडिकुलोपैथी, जो कि डिस्क हर्निएशन की वजह से हुई है, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट का जो ड्यूरामेटर है वो स्ट्रेच होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लीजन है उसका स्ट्रेच होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप SLR टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को लंबर रेडिकुलोपैथी किस चीज़ की वजह से है, डिस्क हर्निएशन की वजह से है। तो दोस्तों, इस तरीके से न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आप SLR टेस्ट की वजह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।